नमस्कार, वेलकम टू हंगरी स्पिरिट्स चैनल। दोस्तों, ये वीडियो क्यों बनाई गई है तो इसके बारे में बात करते हैं। पहले वही गुजारिश, जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल हंगरी स्पिरिट सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियो के नीचे दिया गया लाल बटन दबाएं और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और हाँ, साथ में बेल आइकॉन भी दबा दीजिए ताकि आपको अपने वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. दोस्तों, ये बात अक्सर सुनने को मिलती है कि फलाह बंदा कंटेंट देता है। कंटेंट देना बड़ा जरूरी है बिग बॉस के घर में। कंटेंट नहीं दोगे तो आप बोरिंग हो जाओगे, आप जल्दी घर से निकल जाओगे। इसलिए बढ़ चढ़ के सब फाइट करते हैं, सब मैक्सिमम कंटेंट देने की कोशिश करते हैं। पर यहाँ पे बात यह है कि कंटेंट देने वाला बिग बॉस नहीं बनता है। बिग बॉस वो बनता है जो अपने अच्छे बिहेवियर से दिलों को जीतता है। तो कंटेंट तो स्वामी ओम भी बहुत देते थे, बहुत इंटरेस्टिंग थे। कंटेंट प्रियंका जगह भी देती थी, कंटेंट इमाम भी देता था, कंटेंट डॉली बिंदर राखी सावंत सब लोग कंटेंट देते थे। केआरके ने भी बहुत कंटेंट दिया, लेकिन कोई भी बिग बॉस नहीं जीत पाया है। तो इसलिए ये वीडियो बनाई हमने, एक जो है पोलिंग की कि कौन है घर के 5 पॉजिटिव पर्सनैलिटीज। तो इसमें जो पॉजिटिव पर्सनैलिटी में सबसे पहले जो नाम एक आया, केवी का आया है। केवी बहुत ही पॉजिटिव गेम खेल रहे हैं। वो बार 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 आके समझाते भी हैं कि भैया कोई गेम खेल, कोई लड़, कोई झगड़, कोई फाइट कर, कुछ कर, लेकिन केवी से नहीं लड़ा जाता। केवी अल्टीमेटली अपनी ही पॉजिटिव सी गेम खेल रहा है, इसलिए बहुत लोगों को दिल से केवी की गेम अच्छी लगती है और केवी जो है पॉजिटिव खिलाड़ी की श्रेणी में आते हैं। दूसरा नाम है दीपिका कक्कड़ का। तो दीपिका कक्कड़ को भी बहुत सारे लोगों ने बोला, हालांकि किसी ने बोला कि एक्टिंग करती है। सबा खान ने भी बाहर जाके बोला कि अभी भी वो एक करेक्टर प्ले कर रहे, वो फेक है। तो इवन के हिना खान ने भी घर में आके बोला कि पब्लिक ये सोचती है कि, लेकिन यहाँ पे पब्लिक अलग कमेंट करती है तो वो कमेंट शायद पता नहीं दिखाई देता। हिना खान ने बोला कि पब्लिक कहती है कि आप सिर्फ सिमर हो यहाँ पे, जबकि दीपिका कक्कड़ ने कहा कि भैया मैंने इतना जो किरदार इतना लंबे समय तक निभाया वो मेरे अंदर है। हाँ, हूं मैं सिमर, मेरा बिहेवियर है, मैं ऐसा ही कर सकती हूँ। तो इसलिए वो श्री के साथ भी जो है बिहेवियर है, इतना कुछ होने के बाद भी वो बॉन्डिंग खत्म नहीं की है, तो धीरे धीरे चल रही है। और दीपिका एक अच्छे करेक्टर के रूप में उभर के सामने आ रही है, इसलिए दीपिका को भी पॉजिटिव की श्रेणी में ऑडियंस ने दिया है। तो तीसरा नंबर आता है सृष्टि का। सृष्टि भी क्यूट सी पॉजिटिव सी मानी जाती है। सब लोग सृष्टि को कहते हैं कि बहुत कूल है, बहुत अच्छी है, बहुत नाइस है, बड़ी स्मूथ सी गेम खेल रही है। कई लोग ये भी कहते हैं कि सृष्टि कुछ करती नहीं है, लेकिन बहुत सारे फैंस कहते हैं कि सृष्टि बहुत अच्छी है, कभी कभार फाइट भी होती है तो भी ठीक हो जाता है। तो उसके बाद एक नाम दिया है, चौथा नाम जसलीन का। तो जसलीन मठारू के बारे में बोलते हैं कि वो भी एक दिल की अच्छी है। जसलीन एक अच्छा गेम, किसी के साथ झगड़ा भी होता है तो बाद में जैसे सृष्टि के साथ बाद में सॉरी फील कर लिया इमीडिएटली, उसको रियलाइज हो गया कि नहीं नहीं यार चल छोड़ना यार। रोमिल को भी बोलती है यार ये तो मजाक में था छोड़ना। तो ऐसी बातें बहुत पॉजिटिवली वो अपनी गेम खेल रही है, तो वो भी एक पॉजिटिव पर्सनैलिटीज में ऑडियंस ने दिया है। तो जनता ने पांचवा नाम दिया है हैप्पी क्लब में से, वो है रोमिल चौधरी। वो कभी कभी नेगेटिव खेलते हैं, लेकिन अल्टीमेटली चाहे पीछे पीछे चाहे अपनी गेम खेले लोगों को सिखा के कि ऐसा करना चाहिए, ये करना चाहिए, लेकिन अल्टीमेटली रोमिल को भी, क्योंकि अननेसेसरी बवाल नहीं बचाते, दूसरों को अब्यूज नहीं करते, दूसरों से बदतमीजी नहीं करते, तो रोमिल को भी पॉजिटिव श्रेणी में दिया गया है। कि आपके हिसाब से और कौन है घर के पॉजिटिव और कौन है नेगेटिव, ये वीडियो के नीचे कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि आपकी राय हमारे लिए सर्वप्रथम है। कीप वॉचिंग हंगरी स्पिरिट्स चैनल। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.